गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं। आज हम जिस टॉपिक को कंसिडर करेंगे वो है हमारा वेव फंक्शन या तरंग फलन। ये क्या है इसको हम आज डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। अब हम क्या करेंगे, कुछ क्लासिकल मैकेनिक्स की एनालॉजी को लेते हुए इसको समझने का प्रयास करेंगे। याद रखिए, जब मैंने क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत की थी या जब मैंने क्लासिकल मैकेनिक्स के कुछ एक दो लेक्चर डिलीवर किए थे, वहाँ पर एक चीज़ बताई थी। थोड़ा हम क्लासिकल मैकेनिक्स को देखते हैं, वो क्या थी उसको अभी आप समझ जाएंगे आराम से। अगर मैं क्लासिकली बात करूं, क्लासिकल मैकेनिक्स में, तो क्लासिकल मैकेनिक्स में आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि यदि आपको किसी कण की स्थिति पता है, ठीक है ना, आर वेक्टर, आर क्या होता है उसका, किसी भी कण का स्थिति सदिश। जैसे मान लो ये निर्देश तंत्र है आपका, यहाँ पर कोई बिंदु है तो इसका सदिश क्या हो जाएगा, वेक्टर आर, ठीक है। और किसी क्षण पर होगा, इस बिंदु पी को आप क्या लिखते हो, पी आर टी। किसी समय t पर किसी कण अगर यहाँ स्थित है तो उसका आप स्थिति सदिश आराम से निकाल सकते हो, दिस कोऑर्डिनेट माइनस दिस कोऑर्डिनेट करके, आई कैप जे कैप के कैप करके पूरा निकाल सकते हो। तो क्लासिकली अगर आपको किसी कण की स्थिति पता है तो आपको एक तरह से उस कण के बारे में सब कुछ पता है। क्यों? क्योंकि अगर आपसे पूछे इस कण का वेग बताओ तो आप क्या कह दोगे, डी आर बाई डी टी निकाल दोगे तो आपको वेग मिल जाएगा। इसका त्वरण बताओ तो डी वी बाई डी टी कर दोगे। इसका संवेग बताओ तो उस कण के द्रव्यमान को जब आप उसके वेग से गुणा करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, संवेग मिल जाएगा। आप ये कहोगे उसका गतिज ऊर्जा बताओ तो पी स्क्वायर अपॉन टू एम से मिल जाएगा, ठीक है। कुल ऊर्जा बताओ तो वो भी मिल जाएगी। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि क्लासिकल मैकेनिक्स में यदि आपको किसी कण की स्थिति पता है तो आप उस कण की संपूर्ण रूप से व्याख्या कर सकते हो और कण के फ्यूचर के बारे में भी आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। फ्यूचरिस्टिक हो सकते हो आप कि किसी समय टी पर यह है तो अगले किसी क्षण पर क्या होगा, तो वो भी आप आराम से बता सकते हो। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में आर क्या, एक प्रकार की जन्म कुंडली है उस कण की। जैसे मैंने वहां पहले एक बार बताया भी था कि अगर जैसे मान लो आपके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो चाहे आपका नाम हो चाहे डेट ऑफ बर्थ हो, कुछ भी हो, जैसे आज के टाइम में आधार कार्ड है, आधार कार्ड आपका हर चीज़ से लिंक हो रहा है धीरे धीरे, तो अगर आपको आधार कार्ड का नंबर पता है तो आप उस व्यक्ति की काफ़ी जानकारियां प्राप्त कर सकते हो। ठीक उसी प्रकार से अगर आपको आर पता है क्लासिकली तो आप उस पिंड की या उस कण की संपूर्ण रूप से व्याख्या कर सकते हो। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में आपको पता है हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगता है और वहाँ पर हम लोगों ने एक चीज़ समझी थी कि वहाँ सर्टेनिटी नहीं होती है। जैसे आप सिंपली बात कर लीजिए मोमेंटम की और पोजीशन की, यानी स्थिति और संवेग की भी बात करते हो तो उनमें भी क्या होता है, एक अनिश्चितता का एक संबंध होता है। यानी यहां पर तो अगर किसी कण की स्थिति आर पता है तो उसका संवेग भी आप एग्जैक्टली बता सकते हो, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं होता है। क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि वहां पर क्या होता है, पार्टिकल का वेव करेक्टर होता है और वेव करेक्टर किस प्रकार से अनसर्टेनिटी डेवलप करता है वो मैंने सारे डायग्राम बना करके आपको बताए थे बहुत इजीली तरीके से, किस प्रकार से लैम्डा अगर सर्टेन होगा या लैम्डा में अनसर्टेनिटी कम होगी तो मोमेंटम में सर्टेनिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में आप इस प्रकार के सर्टेनिटी के आधार पर नहीं बता सकते हो। तो अब क्वांटम मैकेनिक्स में होगा क्या, अब तरंग फलन कहां से आया, तरंग फलन कहां से आया उसको भी आप समझिए। तरंग फलन हम क्यों पढ़ रहे हैं, तरंग फलन क्या है, अब वापस वही क्लासिकल का एग्जांपल लेता हूं। क्लासिकल मैकेनिक्स में आप एक समीकरण जानते हो, F इजिकल टू एम ए, न्यूटन गति का द्वितीय नियम है एक प्रकार का ये, ठीक है। अब आप इसको किसी के लिए भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। F इजिकल टू एम ए है, जैसे मान लो आपने कोई इस प्रकार का एक टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं कि मान लो ये स्प्रिंग है, यहाँ पर कोई द्रव्यमान जुड़ा हुआ है, इसको अगर आप थोड़ा सा खींच करके छोड़ते हो तो क्या होता है, एक प्रकार की ऑसिलेशन होता है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन। उसके लिए आपके एक समीकरण निकल करके आती है, इसके लिए एफ क्या होता है, माइनस के एक्स होता है। तो यहाँ से अगर मैं इन दोनों को मिलाऊँ तो क्या समीकरण बनेगी, एम ए को मैं लिख सकता हूँ डी टू एक्स अपॉन डी टी टू माइनस के एक्स, यहाँ से एक समीकरण बन जाएगी डी टू एक्स अपॉन डी टी टू प्लस के अपॉन एम एक्स इजिकल टू जीरो। इस के अपॉन एम को जनरली हम ओमेगा नॉट लिखते हैं, ठीक है ना, ओमेगा नॉट स्क्वायर लिख देते हैं और एक्स इजिकल टू जीरो। ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स का कुछ मान मिलेगा, जो भी मिलेगा हमें अभी उससे मतलब नहीं है। यानी इस समीकरण को सॉल्व करने से आपको क्या मिलेगा, एक्स का मान मिलेगा। एक समीकरण को आपने सॉल्व किया है और वो समीकरण आई कहाँ से है, क्लासिकल मैकेनिक्स के जो मूलभूत सिद्धांत है न्यूटन के सिद्धांत, वहाँ से निकल करके आई है। और एक बार अगर आपको एक्स पता चल गया तो वापस वही इस पूरे सिस्टम के लिए आप संवेग ऊर्जा संवेग कुछ भी निकाल सकते हो। तो उसी प्रकार से क्वांटम मैकेनिक्स में, जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स में आपके ये द्वितीय कोटि के अवकल समीकरण आप हल करके ये मान निकाल रहे हो, उसी प्रकार से क्वांटम मैकेनिक्स में भी आप क्या करोगे, एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जिसको आप जानते हो, वो कौन सी है, श्रोडिंजर इक्वेशन। वो क्या इक्वेशन आपकी, आई एच क्रॉस डेल साई बाई डेल टी
इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस अपॉन टू एम डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई। मैं वन डायमेंशन की बात कर रहा हूँ। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, साई मिल जाएगा एट एक्स और एट टी, किसी समय किसी पर्टिकुलर पोजिशन एक्स पर और किसी पर्टिकुलर टाइम टी पर, तो ये साई मिल जाएगा आपको। तो जिस प्रकार से क्लासिकल मैकेनिक्स में आर का बहुत बड़ा रोल है, आर या एक्स का, यानी अगर आप क्लासिकल मैकेनिक्स में अगर आपको एक दफा किसी कण की स्थिति पता चल जाए तो आप उस कण की संपूर्ण रूप से व्याख्या कर सकते हो, ठीक उसी प्रकार क्वांटम मैकेनिक्स में अगर आपको किसी कण का या जो भी सिस्टम है क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम उसका अगर आपको तरंग फलन पता चल जाए तो आप उस कण की या उस पिंड की या उस निकाय की संपूर्ण रूप से व्याख्या कर सकते हो। तो लास्ट में कंक्लूजन लाइन आपके क्या लिखोगे आप, कि क्वांटम यांत्रिकी के अंतर्गत तरंग फलन एक वह भौतिक राशि है जिसकी सहायता से हम उस क्वांटम यांत्रिकी निकाय की संपूर्ण रूप से व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, तो बाय यूजिंग द वेव फंक्शन वी कैन एक्सप्लेन द क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम कंप्लीटली। ठीक है, तो इसलिए अब देखो ये एक तरह से जन्म कुंडली है क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम की, या आर था यहां पर साई एक्स टी, तो अब सारा काम आपका साई एक्स टी में ही चलेगा। ठीक है, तो ये आप तरंग फलन का एक सामान्य सार समझ गए। अब इसको हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, किस प्रकार से हम आगे बढ़ाते हैं इसको आप समझिए। आप इस चीज को जानते हो, साई आपको मिलेगा कहां से, साई आपको मिलेगा जब आप सेकेंड ऑर्डर की एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको आप श्रोडिंगर इक्वेशन कह रहे हो उसको सॉल्व करने से आपको साई मिल जाएगा। अब साई जो होता है आपका, ठीक है ना, हम वन डायमेंशन में क्या लिखते हैं, साई एक्स टी। ये एक्स टी हमेशा ध्यान रखिए आप, क्योंकि जो साई मिलेगा वो आपको एक पर्टिकुलर एक्स यानी एक पर्टिकुलर पोजीशन और एक पर्टिकुलर टाइम टी पर मिलेगा। जैसे ही आपका एक्स या टी बदलेगा तो साई भी बदल जाएगा। आगे हम बार बार लिखेंगे एट ए गिवन पॉइंट एंड एट ए टाइम टी, दो शब्द लिखेंगे, दिए गए स्थान और दिए गए समय पर, ये दोनों अगर बदलेंगे तो साई भी बदल जाएगा। और थ्री डायमेंशनल में आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, साई आर टी। ठीक है, ये सब बेसिक चीजें आपको पता चल जाएगी। अब साई जो होता है वो एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है। साई आपका जो होता है वो क्या होता है, छोटी छोटी चीजें आप नोट कर लीजिए, कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन या सम्मिश्र फलन होता है। ठीक है, और किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन को आप कैसे लिखते हो, जेड इज इक्वल टू क्या लिखते हो, आप ए प्लस आयोटा बी लिखते हो, ऐसे ही लिखते हैं। तो साई कॉम्प्लेक्स फलन है और साई का खुद का अपने आप में कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है। देखो एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो रही है, अभी तो आप कह रहे हो कि यदि आपको किसी कण का साई पता चल जाए तो आप उस निकाय की संपूर्ण रूप से व्याख्या कर सकते हो, और अभी मैं क्या कह रहा हूं कि साई का अपने आप में कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है, देयर इज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई। ठीक है ना, साई का स्वयं का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता, क्यों, क्योंकि साई इन जनरल कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है। तो फिर साई का मतलब क्या हुआ, साई क्या काम आएगा, किस प्रकार से आप क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम को डिस्क्राइब करोगे, अब आप समझिए। यहां तक समझ गए, साई एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है लेकिन साई का स्वयं का कोई भौतिक रूप से अर्थ नहीं होता, लेकिन जब आप इस साई को इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, मैंने शब्द क्या बोला है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, जिसको आप कह सकते हो संयुग्मी सम्मिश्र, आप जानते हो बिल्कुल संयुग्मी सम्मिश्र, जैसे मान लो ये जेड है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, जेड स्टार, उसमें आप क्या लिखोगे, ए माइनस आयोटा बी, जो भी जहां भी आयोटा उसके आगे माइनस साइन कर दोगे। तो जब आप इस साई को इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे, मैं क्या कह रहा हूं, एक तो आपके साई है और एक साई स्टार है, और ये बनेगा क्या, ये बनेगा आपके मोड साई स्क्वायर। आप इसको करके देखिए, जेड जेड स्टार क्या होता है, जेड जेड स्टार होता है ए प्लस आयोटा बी और ए माइनस आयोटा बी। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ये प्लस माइनस आयोटा बी सब कैंसिल हो जाएंगे और ये आयोटा आयोटा माइनस और ये माइनस प्लस, तो ये बचेगा ए प्लस बी स्क्वायर, जिसको आप क्या लिखोगे, मोड जेड स्क्वायर, क्योंकि आप इसका मोड निकाल के देखिए तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो साई साई स्टार को आप क्या लिखोगे, मोड साई स्क्वायर। तो मैं क्या कह रहा हूं कि साई का अपने आप में कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है, परंतु जब इस तरंग फलन को आप इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तब आपको क्या मिलेगी, एक रियल क्वांटिटी मिलेगी। क्या मिलेगी, रियल क्वांटिटी, आप देख लीजिए आराम से,
ये क्या है, इसको जब करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है जेड में क्या होता है, ये ए भी रियल होता है और बी भी रियल होता है, ये पोर्शन पूरा इमेजनरी होता है, जिसके साथ आयोटा जुड़ता है वो पोर्शन इमेजनरी होता है, लेकिन ए और बी खुद क्या है, रियली होता है, याद रखिए आप, ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स है और मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको आती है, अगर नहीं आती है फिर मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। तो जेड में ए प्लस आयोटा बी में, आयोटा बी में ए और बी दोनों खुद रियल है, तो जैसे ही आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालोगे तो वो क्या होगा, रियल होगा। तो अभी देखो साई अपने आप में तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, और कॉम्प्लेक्स फंक्शन का अपने आप में कोई अर्थ ही नहीं होता, लेकिन जब इसको आप इसकी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे और जो आपको क्वांटिटी मिलेगी वो कैसी होगी, रियल होगी, और रियल है तो उसका अपने आप में एक फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है। तो अभी हम क्या निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि साई तो बहुत जरूरी है, ठीक है ना, साई मतलब क्या होता है, किसी भी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए मस्ट है, और साई मिलेगा कहां से, जब आप श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करोगे। फिर आगे हमने क्या कह दिया कि साई जो होता है इन जनरल एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है, इस वजह से इसका अपने आप में कोई भौतिक अर्थ नहीं होता है, देयर इज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई इंडिविजुअली, ठीक है ना, बट इफ वी मल्टीप्लाई विद इट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट देन वी गेट ए रियल क्वांटिटी विच हैव फिजिकल सिग्निफिकेंस, अर्थात जब हम तरंग फलन को उसके संयुग्मी सम्मिश्र से गुणा करते हैं तो हमें एक वास्तविक राशि प्राप्त होती है जिसका अपने आप में एक भौतिक अर्थ होता है। तो अब हमारा अगला काम क्या होगा, अब हमारा अगला काम होगा कि जो आपको साई स्क्वायर मिला है इसका क्या भौतिक अर्थ है, और साई स्क्वायर मिलेगा कहां से, पहले तो आपको साई चाहिए तभी आपको साई स्क्वायर मिलेगा, इसलिए साई इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअली साई का कोई अर्थ नहीं है लेकिन साई स्क्वायर का बहुत सारा अर्थ है, एक तरह से साई स्क्वायर आपको सब कुछ जानकारी प्रदान कर देगा। तो अब हम अगला टॉपिक क्या देखेंगे, इसी के अंतर्गत फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई स्क्वायर, उसको आप आराम से नोट कीजिए। तो अब देखिए हम लोगों ने क्या देख लिया, हम लोग पहुंच गए मोड साई स्क्वायर तक, ठीक है, अब इसका हम क्या देखेंगे, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोड साई स्क्वायर। हमने ये तो देख लिया कि साई का अपने आप में कोई भौतिक अर्थ नहीं है, भौतिक अर्थ आपको किसका मिलेगा, मोड साई स्क्वायर का मिलेगा। तो ये मोड साई स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है या इसका क्या मतलब है, उसको सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे, फिजिसिस्ट या साइंटिस्ट थे, मैक्स बॉर्न, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, 1926 में इन्होंने इस मोड साई स्क्वायर को समझाने का प्रयास किया कि ये आखिर में दर्शाता क्या है, जिसको हम कहते भी हैं मैक्स बॉर्न इंटरप्रिटेशन ऑफ साई स्क्वायर, ठीक है ना, साई स्क्वायर की मैक्स बॉर्न द्वारा समझाई गई अवधारणा, एक लाइन में समझाया था बिल्कुल, और ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जाता है। तो मैक्स बॉर्न ने क्या बताया उसको आप नोट कर लीजिए, मैं लिख दे रहा हूं, अकॉर्डिंग टू हिम, यानी मैक्स बॉर्न, अकॉर्डिंग टू हिम द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए पार्टिकल एट एनी पॉइंट एट ए गिवन टाइम इज प्रोपोर्शनल टू साई साई स्टार, या इसको आप क्या लिख सकते हो, मोर साई स्क्वायर। अभी मैं बताऊंगा क्या ये, आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, कंप्लीटली मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना, इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हो। मैक्स बॉर्न के अनुसार किसी दिए गए बिंदु और किसी दिए गए समय पर कण के पाए जाने की प्रायिकता को मोर साई स्क्वायर दर्शाता है, आप लिख सकते हो ऐसे, चलो मैं लिख ही देता हूं ताकि क्या है कोई कंफ्यूजन नहीं हो, कई बार ये रहता है कि आपने इंग्लिश में लिख दिया हिंदी में, तो आप बिल्कुल और घबराने की आवश्यकता नहीं है, लैंग्वेज इज नॉट ए बैरियर, ठीक है ना, चीज समझ में आनी चाहिए, मैं दोनों ही लैंग्वेज में समझूंगा और प्रयास करूंगा, जहां लिखना होगा वहां मैं लिख भी दूंगा। मैक्स बॉर्न के अनुसार मोड साई स्क्वायर किसी दिए गए स्थान और किसी समय टी पर कण के पाए जाने की
प्रायिकता के समानुपाती होता है। अब ये सब बताने वाला हूं क्या मतलब है, ठीक है। अब ये तो लिख दिया, अब इसको आप एक और छोड़ो, अब मैं क्या समझा रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनिए। यहां पर एक शब्द काम में आया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए पार्टिकल, इसको आप समझिए। आगे क्वांटम मैकेनिक्स में जितने भी इवेंट्स हम पढ़ेंगे वहां बार बार यही शब्द काम में आने वाला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए पार्टिकल, ठीक है ना, कण के पाए जाने की प्रायिकता। तो इसको मैं आपको यहीं पर एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि कोई दिक्कत आपको आगे नहीं आएगी। अब हम प्रोबेबिलिटी की क्यों बात कर रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि क्वांटम मैकेनिक्स में हम सर्टेन नहीं हो सकते। हमने जब हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत पढ़ा था तो वहां पर हमने ये समझ लिया था कि आप निश्चितता के साथ बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते हो कि कण यहां पर स्थित होगा, और आपने देखा था कि जैसे ही आप कण को निश्चित करने जाओगे तो उसके संवेग में अनिश्चितता आ जाएगी, संवेग को निश्चित करने जाओगे तो स्थिति में अनिश्चितता आ जाएगी। तो क्वांटम मैकेनिक्स में आप यह तो कह सकते हो कि कण इसके और इसके कोई एक पर्टिकुलर रेंज के बीच में होगा, जैसे मान लो कण इन दोनों के बीच में कहीं भी हो सकता है, लेकिन आप एग्जैक्टली नहीं कह सकते कण यहां पर है, क्योंकि जैसे ही आपने एग्जैक्टली कह दिया तो उसी समय उस कण के संवेग को आप मेजर नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, इनफाइनाइट हो जाएगी उसमें अनिश्चितता। तो क्वांटम मैकेनिक्स में आप इस चीज को अंडरलाइन करके नोट कर लीजिए, क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम यांत्रिकी के अंतर्गत हम निश्चितता के साथ कुछ भी नहीं कह सकते हैं। कोई कण है उसकी स्थिति या संवेग हो वो एक रेंज के अंतर्गत होता है, एक परास के अंतर्गत होता है, इसके बीच में कहीं भी हो सकता है, लेकिन कहां होगा ये आप नहीं कह सकते, ठीक है। पहले तो आप ये समझ गए प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हो गया, कि आप सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकते। और वैसे भी प्रोबेबिलिटी का मान क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का मान हमेशा जीरो से एक के, प्रोबेबिलिटी को मान लो मैं पी लिखता हूं या लिख दूं चलो प्रायिकता, तो ये हमेशा क्या होती है जीरो और एक के बीच में होती है। अगर जीरो है मान लो तो इसका मतलब क्या है, वहां कण है ही नहीं, और अगर एक है तो निश्चित रूप से वही है। तो कभी भी जीरो नहीं होगा, कभी भी एक नहीं होगा, हमेशा उसका मान एक जीरो और एक के बीच में ही मिलेगा। तो इस लाइन को तो आप समझ गए, अभी इंटरप्रिटेशन तो मैं आपको पूरा बताने वाला हूं वो अलग है, लेकिन फिलहाल आप इस लाइन को समझ गए प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है। और हम प्रोबेबिलिटी की बात ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वांटम यांत्रिकी में आप निश्चित नहीं हो सकते, सर्टेन नहीं हो सकते। यहां तक हो गया क्लियर। अब देखो मैक्स बॉर्न ने बताया क्या, ये जो साई स्क्वायर आपने निकाला एक रियल क्वांटिटी, ये क्या दर्शा रहा है इसको बताया था, ये क्या दर्शा रहा है इसको आप देखिए। मैक्स बॉर्न कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू हिम द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए पार्टिकल एट एनी पॉइंट एट ए गिवन टाइम, एट एनी पॉइंट एंड एट ए गिवन टाइम इज प्रोपोर्शनल टू साई स्क्वायर। यानी ये जो साई स्क्वायर आप निकालोगे किसी भी कण के लिए, श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो पहले आपके साई आएगा, और साई से आप साई स्टार निकालोगे और फिर मोड साई स्क्वायर निकालोगे। तो वो जो मोड साई स्क्वायर आप निकाल रहे हो वो क्या दर्शा रहा है, वो ये दर्शा रहा है कि किसी एक दिए गए बिंदु पर, जो आपके एक्स और टी की बात कर रहे हैं, और किसी एक दिए गए समय पर यानी टी पर, उस कण के पाए जाने की प्रायिकता को दर्शा रहा है। क्लियर हो गया, प्रायिकता को समानुपाती है, बराबर नहीं है ये भी, इसका भी मतलब मैं भी बताऊंगा प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है। तो ये पूरी लाइन आपकी क्लियर हो गई कि जो मोड साई स्क्वायर होता है वो क्या दर्शा रहा है कि किसी कण के किसी एक दिए गए स्थान और किसी दिए गए समय पर कण के पाए जाने की प्रायिकता को दर्शा रहा है, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रोपोर्शनल टू मोड साई स्क्वायर, ठीक है। अब आगे जब हम थोड़ा और आगे एग्जांपल्स लेंगे तब आपको ये और अच्छे समझ में आ जाएगा। फिलहाल आपको ये प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कण के पाए जाने की प्रायिकता क्या होती है, वो आपको पता चल गया, ठीक है। और ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे ही एक्स और टी चेंज होगा तो आपके इसका मान चेंज हो जाएगा। तो आप जब मोड साई स्क्वायर की बात करोगे तो हमेशा ध्यान रखिए एक पर्टिकुलर एक्स और एक पर्टिकुलर टी पर ही बात करोगे, अगर वो बदलेगा तो ये भी बदल जाएगा, ठीक है। अभी हम कुछ एग्जांपल्स के आधार पर देखते हैं कि किस प्रकार से ये चीजें बता रहा है, ठीक है। और आप ये भी जानते हो, आप लोगों ने इससे प्रीवियस क्लासेज में या 10+2 में भी ये चीज़ें पढ़ी होगी, जैसे हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो आपने वहाँ पर ये पढ़ा भी होगा कि हम ये निश्चितता के साथ कभी नहीं कह सकते। जैसे ये नाभिक है और इलेक्ट्रॉन मान लो कहीं घूम रहा है, तो आप निश्चित थोड़ी कह सकते हो इलेक्ट्रॉन यहाँ है यहाँ है। आप क्या कहते हो कि कोई एक पर्टिकुलर ऐसा स्थान होगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक क्लाउड होगा, जिसे आप नाभिक अब्र एक शब्द काम लेते हो, क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जहां पर उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो वहां आप क्या कहते हो, वहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा है, वहां भी आप संभावना ही शब्द प्रयोग करते हो, निश्चित नहीं हो, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से अभी हम आगे में बताऊंगा, तो वहां पर आपने क्या पढ़ा कि जहां ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा डेंस होता है, ज्यादा सघन होता है, वहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना ज्यादा होती है, लेकिन आप कभी भी निश्चितता के साथ नहीं कह सकते हो। तो उसी प्रकार से जब आपने साई स्क्वायर को क्या बता दिया कि साई स्क्वायर है क्या,
साई स्क्वायर आपका दर्शाता है एक दिए गए समय और एक दिए गए स्थान पर किसी कण के पाए जाने की प्रायिकता के समानुपाती। तो इसका मान अगर अधिक है तो उस पर्टिकुलर टाइम और उस पर्टिकुलर स्थान पर कण के पाए जाने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। अगर इसका मान कम है तो प्रायिकता कम हो जाएगी। प्रोपोर्शनल का तो सिंपल सा यही मतलब है। और इसके लिए एक पर्टिकुलर शब्द काम में लेते हैं हम, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रायिकता घनत्व। ये सब शब्द इंपॉर्टेंट है, बार बार आपको आगे सुनने को और देखने को मिलेंगे। इन चीजों को आप यही नोट करते रहिए, समझते रहिए, एक एक चीज को बड़े ही इत्मीनान से समझना है आपको, ठीक है। तो मोड साई स्क्वायर क्या कहलाता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी या प्रायिकता घनत्व, और दर्शा क्या रहा है, किसी स्थान एक्स और किसी समय टी पर कण के पाए जाने की प्रायिकता। इसका अधिक मान क्या दर्शाएगा कि उस पर्टिकुलर टाइम और स्थान पर कण के पाए जाने की प्रायिकता अधिक है, और इसका कम मान क्या दर्शाएगा, वहां पर कण के पाए जाने की प्रायिकता कम है, ठीक है। अब इसको आगे और थोड़ा देखते हैं, बस ये दो तीन चीजें हो रहे हैं फिर आपकी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब देखो मैं बात कर रहा हूं वन डायमेंशन की, किसकी बात कर रहा हूं, फॉर वन डायमेंशन, ठीक है। अब एक क्वांटिटी में और निकाल करके ला रहा हूं, मोड साई स्क्वायर, या इसको आप चलो वन डायमेंशन है ना, तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। अब अगर मान लो मैं इसको dx से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, तो ये अपने आप में एक नई फिजिकल क्वांटिटी निकल करके आ रही है जो क्या दर्शाएगी, उसको भी आपको ध्यान से समझना है। मैंने क्या किया, मोड साई स्क्वायर जो है उसको मैंने dx से मल्टीप्लाई किया, किससे मल्टीप्लाई किया, dx से। तो ये क्या दर्शाती है, ये तो आपके क्या है, प्रायिकता घनत्व है, और x है तो x क्या होती है, एक तरह से पोजीशन होती है, तो इसको आप कहोगे स्थिति प्रायिकता घनत्व। इसको क्या कहोगे आप, स्थिति प्रायिकता घनत्व या पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। और ये क्या दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है आपके पास एक रेंज है, एक तो x है और x प्लस dx है, ठीक है ना। जैसे मान लो यहां पर चले, ये x है और ये आपका एक छोटा सा पार्ट हो गया, ये x और ये x प्लस dx, तो ये पूरी रेंज किसके बराबर हो गई, dx के बराबर। तो ये क्या दर्शाएगा कि किसी कण की इस रेंज में पाए जाने की प्रायिकता, समझ गए। जब आप उसको dx से मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या हो जाएगा, उस रेंज में पाए जाने की प्रायिकता x और x प्लस dx के रूप में, ठीक है। ये आप इस चीज को समझ गए। अब आगे एक चीज और बताता हूं मैं आपको, क्लियर है, बिल्कुल बहुत इजी है, ठीक है। अब देखो जैसे मेरे पास मान लो कोई ऐसा एक ग्राफ है, ये इधर आपके क्या है साई स्क्वायर है और इधर x है, मैंने कोई एक रेंडमली ग्राफ लोड कर दिया इस प्रकार का कोई, ठीक है, कोई एक ग्राफ बना दिया, निकालोगे कुछ भी आएगा, तो इस प्रकार का एक ग्राफ आ गया, और मैंने कह दिया आपके पास कोई दो बिंदु है, एक तो ये ए है और एक बी है, ठीक है, इनके बीच के एरिया को मैंने एक बार क्या कर दिया, शेडेड कर दिया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ए और बी के बीच कण के पाए जाने की प्रायिकता निकालिए, तो आप कैसे निकालोगे, मेरी बात समझा। मैंने क्या पूछा, कोई दो बिंदु दे दिया आपको ए और बी, और आपसे पूछ लिया कि इन दोनों बिंदुओं के बीच कण के पाए जाने की प्रायिकता को निकालिए, तो बिल्कुल यही फॉर्मूला काम में लेना है आपको। अब आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी मोड साई एक्स टी का स्क्वायर डीएक्स, क्योंकि ये पर्टिकुलर राशि तो आपको क्या दर्शा रही है, केवल डीएक्स अंतराल में, यानी इसका एक छोटा सा भाग मान लो आपने डीएक्स ले लिया उसमें, तो ये दर्शा रही है। अब आपको तो ए और बी के बीच में चाहिए, तो सिंपल से तरीका आप क्या कर दोगे, उसका पूरा इंटीग्रेशन कर दोगे। तो ये जो पूरी क्वांटिटी आपकी इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी मोड साई स्क्वायर डीएक्स, ये आपको क्या दर्शाएगी कि ए और बी के बीच कण के पाए जाने की प्रायिकता को दर्शाएगी। मेरे हिसाब से आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा, फिर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप बहुत ध्यान से समझिए, ये तीन चार चीजें आ रही है, देखो मोड साई स्क्वायर क्या है, मोड साई स्क्वायर डीएक्स क्या है, ठीक है ना, ये प्रायिकता घनत्व है, ये स्थिति प्रायिकता घनत्व है, यानी इससे आप क्या कह रहे हो कि कण के डीएक्स अंतराल में पाए जाने की प्रायिकता। अब आपको पर्टिकुलर दी थी ए टू बी, तो आप क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन कर दोगे, तो ये भी बिल्कुल सिंपल है। अब अगर मान लो मैं बात करूं थ्री डायमेंशन की, ठीक है ना, फॉर थ्री डायमेंशन, तो क्या हो जाएगा, मैं अगर थ्री डायमेंशन की बात करूं, ठीक है, थ्री डायमेंशन में ये आप क्या लिखोगे, साई आर लिख दोगे, टी
मोड स्क्वायर और डी एक्स क्या आ जाएगा, डी टो आ जाएगा, जहां पर डी टो क्या होगा आपका डी एक्स डी वाई डी जेड, बिल्कुल वही चीज है। ये भी क्या है, स्थिति प्रायिकता घनत्व है लेकिन थ्री डायमेंशन में। अब यहां पर ये ग्राफ ऐसा नहीं होगा, थ्री डायमेंशन आप, ये मैंने एक रैंडम ग्राफ बनाया है। थ्री डायमेंशन के लिए जनरली हम क्या लेते हैं, क्यूबॉइड या क्यूब काम में लेते हैं, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। ये मान लो एल है, ठीक है, ये इसकी हाइट एच है, ये विड्थ बी है। तो अब ये क्या दर्शा रहा है आपको, ये केवल केवल ये क्या दर्शा रहा है कि इस पूरे में से अगर मान लो आपने कोई एक स्मॉल वॉल्यूम ले लिया इस तरह का डी टू, तो उसमें पाए जाने की जो प्रायिकता है कण की वो तो ये है, और आपको कह दिया इस पूरे घन में, घनाभ में जिसकी लंबाई एल, चौड़ाई ऊंचाई एच और चौड़ाई बी है, उसमें कण के पाए जाने की प्रायिकता करनी है। तो आप क्या करोगे, ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू एल, जीरो टू बी, जीरो टू एच, साई आर टी मोड स्क्वायर डी टू। इसको जब आप सॉल्व करोगे तब आपको क्या मिल जाएगा, इस पूरे घनाभ में कण के पाए जाने की प्रायिकता। आप, मैं सिर्फ इस मोड साई स्क्वायर को सिंपल सा मैं आपको अर्थ बताता हूँ, इसमें आप समझना क्या चाह रहे हो कि इसका सिंपल सा इंटरप्रिटेशन क्या है, जो मोड साई स्क्वायर है आपका वो कण के पाए जाने की प्रायिकता को दर्शा रहा है बस। अब किस रेंज में चाहिए, तो उस रेंज से मल्टीप्लाई कर दीजिए, dx रेंज में चाहिए तो dx से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब कोई मान लो आपको a टू b दे दिया, तो सिंपल सी बात है a टू b में इंटीग्रेट कर दीजिए, थ्री डायमेंशन कह दिया तो ट्रिपल इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो इसका मान हमेशा क्या होगा, जीरो और एक के बीच में होगा। जीरो कब होगा, जब आप श्योर हो कि कण इसमें है ही नहीं, और एक कब होगा, जब आप ये श्योर हो कण इसी के बीच में कहीं है। तो आगे मैं आपको बताऊंगा कि कब एक होगा और कब एक नहीं होगा, फिलहाल आप यही मान के चलिए कि जो पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, स्थिति प्रायिकता घनत्व है, उसका मान आपके जीरो और एक के बीच में है। जहां पर इसका मान ज्यादा होगा वहां पर कण के पाए जाने की प्रायिकता ज्यादा होगी, और जहां पर इसका मान कम होगा वहां पर कण के पाए जाने की प्रायिकता कम होगी। तो मेरे हिसाब से साई क्या होता है, उसको क्यों पढ़ना जरूरी है, उसका स्वयं का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन उसके मोड स्क्वायर का अर्थ है। वो अर्थ क्या है, मैक्स बॉर्न ने किस प्रकार से उसको इंटरप्रेट किया, आप आराम से समझ गए होंगे। इसको बड़े इत्मीनान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम आगे एक टॉपिक और वेव फंक्शन पर ही लेंगे, ठीक है ना, वो क्या होगा उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इस लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करता हूँ, थैंक यू।